टुडे इज़ अ डे 3 और आज हम लोग निकलेंगे फाइनली यहाँ से। अभी मॉर्निंग टी हुई है 5:30 की। ये यूथ हॉस्टल वालों ने बना रखा है अपना बेस कैंप, तो स्टोन से लिख रखा है YHI। KGL मतलब कश्मीर ग्रेट लेक का बैच है 2021 का। फ्लैग ऑफ होने वाला है 5-10 मिनट में, फिर हम लोग अपने ट्रैक के लिए निकलेंगे। नायक जाया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा गावड़ उच्चल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जर सतरंगा। जब शुभ नामे जागे, जब शुभ नाशिश मांगे, गाए सब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता के जय। मैं बैग लेके आ रहा हूँ पीछे घोड़े पे। इतना शांत ग्रुप, चलो चल वीरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समर डे 3 मेन ट्रैक स्टार्ट। सारे ग्रुप हमारा रेडी हो गया और लाइन से सब चल रहे हैं। काफी ब्रीथिंग की गई है वेदर को लेके, हेल्थ इश्यूज को लेके। यदि किसी को कुछ इश्यू होगा तो इमिडिएटली इन्फॉर्म करेगा वो ग्रुप लीडर को, और लकीली ग्रुप लीडर मैं हूँ तो जहाँ तक है फिर देखेंगे उसका मेडिकल क्या करना है, रिटर्न आएंगे या उनको कुछ आवर्स में यदि ठीक लगता है कुछ मेडिसिन वगैरह दे के देखेंगे। यदि उन्हें ठीक लगता है, कम्फर्टेबल लगता है कि वो आगे ट्रैक कर सकते हैं, तो वो फर्स्ट या सेकंड जो बेस कैंप है वहाँ से वो रिटर्न हो सकते हैं। ये घोड़े जो हैं इन पे, फिर जो रिटर्न आ जाते हैं उन लोगों को यहाँ पर बेस कैंप में रुकवाते हैं 6 दिन। फिर जब पूरा हमारा ग्रुप वापस आएगा उनके साथ जो रिटर्न होते हैं, तब तक उनका सब कुछ एकोमेंडेशन ये लोग देखते हैं। तो अभी हमें फर्स्ट डे 18 किलोमीटर का ट्रैक है फुल कंप्लीट करना है। 6 से 7 आवर्स अपने पास, चलते हैं आगे। आप तो कल कुछ डायलॉग दिए नहीं। हाँ, कैंप फायर में कुछ नहीं किया हमने। कल हमारा प्रोग्राम सबसे ज्यादा अच्छे थे ना। हाँ, हमने किसी को उठाया नहीं ना लेकिन अगले वालों पे ना काफी प्रेशर आ गया। हाँ, 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 आज जो लोग परफॉर्म करेगा उन लोग भी कर रहे थे। हाँ 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 उन लोग नहीं, इसीलिए सुबह से ही वो लोग स्टार्ट कर दिए। सुबह जो कविता बोले ना, जादू वाले पहले चले गए, नहीं हमारी परफॉर्मेंस देखते हमारे पास तो सिंगर इतने थे। बादल आ गए थे ना। 5 किलोमीटर पे एक ब्रेक, पीछे बेस कैंप है। अरे ऐसे बात करोगे तो सबको समझ में आएगा। कुछ आ रहे ट्रैक का थोड़ा पीछे, बाकी लगभग आ गए। निकल गए क्या आगे? ना वो अपने ना। तो किसका है? मैं क्या किसका? कोई और नहीं आ सकता क्या? ठेका ले रहा।
सबसे खूबसूरत ट्रैक्स वो ऊपर ग्लेशियर्स के बस जमी हुई है। कल मेक 21 वगैरह फ्लाई कर रहे थे ऊपर से, मैं भी ले जा रहा हूँ। नॉर्मल रूटीन चल रहा अभी क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, श्रीनगर थोड़ा सेंसिटिव एरिया है इसलिए। आर्मी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड है बट उसके बाद भी काफ़ी आर्मी खड़ी हुई है जगह जगह, पेट्रोलिंग चल रही है हर जगह पर। अभी हम भी काफ़ी सारे आर्मी कैंप से होके मतलब क्रॉस करेंगे, वो लोग वेरीफाइड करेंगे हमें। हमारे डॉक्यूमेंटेशन तो वैसे पहुँच गए बट वो हमारी ओरिजिनल आईडी से हमें चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है, मतलब यही बंदे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, एड्रेस है हमारे पास। बस यही है और ये खूबसूरत सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक में से आता है ये, क्योंकि बाकी ट्रैक्स में होता है आप अपहिल जाते हो, एक पॉइंट पे रुकते हो और वहाँ से उतर जाते हो, बट कश्मीर ग्रेट लेक में ये है कि आपको चढ़ना भी है आपको उतरना भी, फिर आपका जो कैंप है वो रुकेगा। जैसे आप 10,000 फीट पे गए, फिर 9 पे आओगे, फिर 11 पे जाओगे, फिर 10 पे आओगे, फिर 12 पे जाओगे, फिर मतलब अप एंड डाउन हिल है कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि आप सीधे ऊपर जाओगे और फिर आपको सीधे उतरना होगा। बट ये देखते हैं किसी को इशू ना हो, मेडिकल इशू ना हो, क्योंकि जितने भी कैंप गए उनमें सब में से एक एक दो दो मेज़र जिनको सीनियर हैं या तो, या कुछ ज़्यादा छोटे जिनने प्रिकॉशंस नहीं लिए, एकदम ठंडा पानी पी लिया, उनके गले लग गए, इसलिए उनको रिटर्न आना पड़ा है। हम कोशिश करेंगे, अब मेरे को कैंप सीनियर बनाया गया तो थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा, कोई ऐसा ना करे, कोई डायरेक्ट बर्फ का पानी ना पिए जो बह रहा है। इंस्ट्रक्शन तो दिए बट कोई भूल जाता है तो फिर कोल्ड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और एकदम से आपकी बॉडी भी वार्म रहती है अंदर से, फिर ऊपर से एकदम ठंडा पानी, तो काम खराब। फर्स्ट चेक पोस्ट था आर्मी का, यहाँ पर सबकी आईडी वगैरह चेक हुई है। चलो चलते रहो बस, कदम से कदम मिला के, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कौम की कौम पे लुटाए जा, बस यहाँ गड़बड़ है, यहाँ दिक्कत हो जाए, गड़बड़ बाबा, अरे इनके का पैर भर गए, अरे बटली थी बटली इतना चढ़ाई के बाद थोड़ा उतरा ही आया। हाँ ये अप डाउन हिल ही है यहाँ पर, सो वो हमारे गाइड हैं। अभी रास्ते में ये उड़ता हुआ है, एक्चुअली ये पेड़ों से निकलता है, जब पहले पेपर वगैरह नहीं थे यहाँ पर तो लोग इसी के ऊपर लिख के और भेज देते, जैसे कहीं पे पहुँचाना संदेश या कुछ भी लिख के रखना होता था, तो ये पेड़ की खाल है एकदम पेपर की तरह है। अभी अपन ट्राई करेंगे थोड़ा लिख के इस पर कैसा क्या है, लेकिन इस पर एकदम प्रॉपर जो पेपर होता है उस टाइप का ही है, बट इसमें क्या हल्की हल्की पतली पतली लेयर है, रोमे हैं और वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और पूरा ऐसा पेपर बना रखा है इनने। अभी वो बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं चेक करना आप लिख के। यहाँ पर एक छोटा सा तो होटल है, यहाँ पर मैगी कावा कुछ कावा करके है, अभी बता तो रहे हैं पी के देखते हैं, और सुना बहुत टेस्टी भी चाय है।
और अभी तो बस पहाड़ और खूबसूरती। लंच करेंगे अभी। ये ढाबा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना सर, भूख लगी है पे रगड़ दिया। खाने का तो मेरा अभी है किस चीज का ये तो पता करते हैं अभी, वो बिजी है अभी सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहली बार उसकी डांट सुननी पड़ रही है, क्या कर रहा है? ठीक है, 6 साल पहली बार उसकी डांट सुननी पड़ रही है। च्यवनप्राश की तरह है बट लिक्विड में। तुम ये हमारी हरियाणवी कहेंगे। संदीप भाई, मिश्रा जी, मिश्रा जी बिहार से, नितिन भाई, जीजू पीछे, हाँ ये हमारे सीए साहब है। सुन दो, कोल्ड ड्रिंक है? कोल्ड ड्रिंक, अरे कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो। ओ ओ रहने दो, इजी है अभी, इतना नहीं है, इतना ट्रेन नहीं है। मस्त व्यू है आपका। इसके आगे कहाँ से भैया? 1:30 बजे लंच होगा। हम गुड़गांव, तब तक इससे काम चलाते हैं। काफी सारे लोग रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि एक दो ट्रायल बहुत ज्यादा है। आदने हरियाणा, आदने भोपाल, घाट घाट का हो रहा है। जो पीछे बैठे हुए ये भी रिटर्न आए हाफ से, कुछ लोग हमें रास्ते में मिले थे वो भी रिटर्न हुए थे। कुछ लोग हिम्मत खो देते हैं, बस दिक्कत ये है उनको लगता है 2 दिन तो आपके थाइस भराएंगे, उनमें उन्हें लगता है कि आगे बहुत ज़्यादा इशू होगा, और होता भी ऐसा नहीं है, बट नॉर्मल है तो ठीक है, हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। बट यदि कुछ ज़्यादा है तो आप वापस जा सकते हो। कल हमारा जो कैंप फायर हुआ था, एक्चुअली जो कैंप फायर का प्रोसेस है वो जो फायर नहीं हो रहा है उसका रीज़न ये है कि जब 2014 में गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बैन कर दिया था फायर करना, क्योंकि उसकी वजह से जंगलों में आग लगने की बहुत चांसेस, इसलिए अभी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रैकिंग वगैरह वो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो अब कोई भी फायर नहीं करता है। वो सिर्फ ये जो लाइटिंग होती है उनको ऑन करके कैंप फायर मनाया जाता है, उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा था। रिपोर्ट के थ्रू ऐसा आया था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते थे, जैसे वो लोग बाहर टेंट लगा लेते थे पहाड़ पे और वो रात में आग लगा के और छोड़ देते थे, वो आग कभी ना कभी थोड़ा बहुत भी सुलग के और फिर वो काफ़ी जंगलों में आग लग जाती थी। इसलिए अभी तो बंद है, इसलिए जो कैंप फायर चल रहे हैं वो ऐसे ही होंगे जहाँ भी जाएंगे, और कुछ लोग करते हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जंगल तो बहुत प्यारा है, अभी धूप से थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट पता चला है, पता क्या चला मतलब है कि आप थोड़ा भी धूप में जाएंगे तो गर्मी, और थोड़ा सा जैसे आप छांव में आए वैसी ठंड। यदि एक बादल भी आपके ऊपर आ गया ना तो आपको ठंड लगने लग जाएगी, और यदि एक किरण भी आपको पड़ी तो आपको सीधे गर्मी। ये तो बहुत सही, इसलिए लोग के जैकेट ऊपर ही रखते बैग में। जहाँ पर एकदम बादल आ गए तुरंत पहन लो, धूप आई तुरंत उतार दो। ये हमारे गाइड सर गाना लाए हुए स्पीकर, जो पानी का फ्लो आ रहा है ना वो वॉइस आ रही है, ये ऊपर ग्लेशियर का पानी है और ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। जब आप ट्रैक करते हो वो पानी जब ख़त्म हो जाता है तो आप इसको रिफिल तो कर सकते हो, बट इंस्टेंट मत पियो उसको, आप उसको थोड़ी देर स्टोर करो। जब उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तो तब भी उसको आप मुँह में लीजिए पानी को, और मुंह के अंदर ही उसको रोटेट कीजिए। जब उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए आफ्टर दैट आप उसको पी सकते हो, आराम से अंदर उतार सकते हो। अदरवाइज आप एकदम से इतना ठंडा पानी मत पीजिए। देखिए होगा कुछ नहीं,
यदि आपका ट्रैक है लंबा, अब जैसे हमारा ट्रैक है 6 दिन का लंबा, अब यदि थोड़ा भी कोल्ड होता है गले में तो वो बॉडी की हेल्थ पे इम्पैक्ट देगा। तो इतनी हाइक पे यदि आपको फीवर आता है या आपको कोल्ड होता है तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप पूरा मूवमेंट स्पॉइल कर दोगे थोड़े से इमोशनल के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में, और नहाए भी नहीं, बिल्कुल नहीं नहाए इनमें, क्योंकि ये जो पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और आप जब ट्रैकिंग करते हो तो आपके बॉडी के जॉइंट्स में जो पतले पतले ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो नसें होती हैं, वो जाम हो सकती हैं, क्योंकि पानी माइनस पे चला जाता है। मतलब एक तो वो माइनस में, ऊपर से बॉडी गर्म, दोनों कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। तो बस अब यहीं पे हम लोग थोड़ा लंच करेंगे। अभी हमारी बाकी टीम में सारे पीछे हैं, हमारे गाइड और हम ही आगे। टीम लीडर होने के कारण अब आगे का मैं देख रहा हूँ, और जो मेरे अंडर में हैं वो हमारे जो पीछे रह गए ट्रैकर्स, उन सबको कलेक्ट करते हुए आ रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा है, इससे अच्छा वेदर ट्रैकिंग के लिए नहीं हो सकता। आप सोचे बारिश में सब कीचड़ हो जाएगा ना, आपको व्यूज क्लियर होंगे, पूरा चिपचिप हो जाएगा, आप पानी से कितना बच पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा बच भी जाओगे, थोड़ा बहुत बैग गीला होगा, फिर शूज़ गीले होंगे, शूज़ में मोजे गीले होंगे, मोजे गीले होने के बाद फिर आपके पैर में ना इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, छाले होने के चांसेस होते हैं, वो घिसते हैं आपस में, सूख जाता है, फिर और ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए ये जो वेदर ना परफेक्ट है, आपको काले होने का डर है, सनस्क्रीन लगा लो, स्लीव्स वगैरह पहन लो, कैप लगा लो, सनग्लासेस पहन लो, मेंस के लिए तो बहुत फ़ायदा है। जो बीएड रखते हैं, नहीं रखते तो रख लो, ट्रैकिंग के लिए आ रहे हो तो। यदि आपको स्किन की चिंता है तो, क्योंकि वो आपके फेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं डालती बीएड के कारण। बाकी ये मौसम बेस्ट है, हम चाह रहे थे कि ऐसी धूप हो जिसमें व्यूज़ क्लियर हो, कि आप दूर तक के पहाड़ ऐसे क्लियर देख पाएँ। बहुत अच्छे, आ जाओ, बहुत अच्छे। टीम आ रही है, ये हमारी सारी हरियाणा पार्टी आगे वाली। ये हमारा लंच का प्लेस है, पानी के पास रखा है ताकि जिनकी बॉटलें खाली हो गई हैं रिफिल कर सकें। अभी हमारी आधी टीम आ गई, आधी आ रही है, टोटल हम लोग 24 हैं यहाँ पर, मे बी 13-14 है। अभी आ रहे हैं 10-1 लोग, सब लोग लंच करके फिर आगे चलेंगे। अब तक जो आ गए हैं वो रेस्ट करेंगे शूज़ उतार के। कितना खिच्चर वाला है तो पका गया। सब आधे ट्रैक क्रॉस हो गया, मैं भी आधे से ज़्यादा, बर्फ जमी हुई है थोड़ी, हाइट की वजह से 11,000 फीट होगा, मतलब 11,000 फीट के ऊपर है, क्योंकि 11,000 तो हमने चेक किया था। आगे देखते हैं कितना क्या है। सो लंच के बाद जो ट्रैक हुआ है उसका सेकंड, मतलब जो लंच के बाद रेस्ट हुआ है, पहुंच के अभी टीम यहाँ रुकी है, 1 घंटे का और रास्ता बचा है। बट हमारी टीम थोड़ी धीरे है आज, क्योंकि फर्स्ट डे भी है, 3 बजे हमें पहुंचना चाहिए, नॉर्मल जो ट्रैकिंग होती है 3 बजे पहुंचनी चाहिए, बट हमें पहुंचते पहुंचते 4 बज जाएगा, क्योंकि एक तो फर्स्ट डे और जो वार्म अप हुआ था उसके अंदर कई लोगों की थाइस भर आ गए थे। तो आज कल देखते हैं कितना टाइम का डिफरेंस रहेगा, बट अभी तो थोड़ा लेट है, बट चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को जो मेन है वो बेस कैंप है उसका व्यू लेना है शाम को, जो सनसेट होता है और उसकी लाइट जो माउंटेन पे पड़ती है वो बहुत देखने लायक।
हमारी टीम पूरी थक चुकी है लगभग थोड़ी, हाँ थोड़ा सा ही है भाई आगे, बस इसके हल्का सा पीछे साइड हमारा कैंप है। बट एक बंदा है बेंगलोर मुंबई का, उसके पैर में थोड़ा क्रैम्प आ गया इसलिए थोड़ा स्लो हो गया है। दो आवाज दो बताऊं बताऊं, डट जाओ, दो आवाज अब दे दिया पहुंच, सुन गई उसे। एक्चुअली क्या दो लोग वापस आए थर्ड कैंप से, उन्हें ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो रहा था, तो ऑक्सीजन देने के लिए हमारे टीम मेट है जो बैक में, उनको बोल रहे हैं कि प्रोवाइड करवा दें उन्हें। दे दिया ना भाई की आवाज ऐसी है पूरी घाटी में गूंजती है। चलो ज्योति तो डाक सुने क्यों ना से तबे एकला चलो रे एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे ज्योति तो डाक सुने क्यों ना से তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ও রে ও অভাগা কেউ কথা না কয় তবে আপন মনে ভুলে গেছি ভুলে গেছি হ্যাঁ তো দাদা আমারে বঙ্গাল সে আয়ে হুয়ে হ্যাঁ একলা চালু লিরিক্স লিরিক্স পুরা কে পুরা মালুম লিরিক্স কা থোড়া ডাউট হ্যায় হ্যাঁ ডাউট হ্যায় পুরা কে পুরা ডাউট হ্যায় তো মতলব কে একলো চলি একলা চলো মতলব আগর তুমকো किसी के साथ चलना है, तुम सबको बुला रहे हो हाँ। चलने के लिए, कोई तुम्हारा बात नहीं सुन रहा। अच्छा तो चलो अकेला ही चलो, तो अकेले चलो अकेले चलो, मैं ये तो अपना वाला कॉन्सेप्ट है, कोई हाँ। नहीं आ रहा तो अकेले आगे चलो, अकेले चलो। तो भैया जो दादा गा रहे थे तुम्हारा बात नहीं सुन रहा हाँ। तो अपने खुद का बात सुनो और खुद चलो, खुद चलो चलो अपना मंजिल पर खुद ही अकेला चलो चलो अकेले चलो। आदमी आएगा तो सही है, नहीं आएगा नहीं आएगा तो भी सही है, तो भी सही है, और ज्यादा सही है, और ज्यादा सही है। यही है इसका गाने का मतलब, गाने का मतलब। तुम्हारे साथ बहुत सारा बंगाली दादा और बंगाली मैडम आई हुई है बेस कैंप 1 किलोमीटर बचा है और हमारी लगभग टीम हार चुकी है बिश्वा हमारा बेंगलोर टाइगर एथलीट है 100 मीटर का। आप भी तो, अरे हम कहाँ है भाई, हम एथलीट एथलीट कहाँ है, अरे ना हमारे बस की कहाँ भाई, सब तू ही है, हम तो आम इंसान हो रहे हैं। हरियाणा चढ़ गई है 200 किलोमीटर, रह रहे के साथ वाले आ गए हैं सब। 200 किलोमीटर 10 घंटे में करता है कैंप में, अब तो हरियाणवी ग्रुप चल रहा है। 200 किलोमीटर 10 घंटे में करता है, के चल रहा है, क्यों चल रहा है, थम जा। सो फाइनली हम लोग कैंप पे पहुंच गए, हरियाणा फर्स्ट है इधर तो हमारा, सारे हरियाणवी पहुंच लिए, अब बाकी छोरा छोरी आ रहे हैं सारे धीरे धीरे, अभी तो काफी पीछे हैं कुछ लोग। तो आज का सेशन अपन इतना ही रखते हैं, शाम को कुछ स्पेशल होता है तो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब बैटरी नहीं है, 6 दिन 5 दिन जो भी है, तो बैटरी क्या सेव करके चलनी है, इसलिए ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर सकते फ़ोन को, कम से कम यूज़ कर रहे हैं अभी, क्योंकि देखते हैं अब कितने दिन चलता है फ़ोन।
मिलते हैं अपन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, तब तक देखते हैं क्या हिसाब किताब है टेंट का हमारा। एक बार कैंप साइट देखो, ये कैंप साइट है। एक में वैसे 15 लोग रहते हैं, 14-12 ऐसे मार्जन है, बट कोविड के कारण 6 लोगों को बोल रखा है आप एक्स्ट्रा रहना चाहते हो तो रह सकते हो, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं। भाई ये वाला तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉर्नर टेंट लिया, रात का वेदर, बस देखते कितनी ठंड होगी यहाँ। ये हमारे गाइड साहब, पर आज के लिए बहुत है, आज इतने ही है ना, बस लंच डिनर, डिनर बस अभी 7 बजे, 7 बजे से डिनर है, 7 बजे पहले वेलकम ड्रिंक है, उसके बाद है मतलब काफी कुछ है, मौज कर देंगे। तो मिलता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग।